हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम पहले वाली जो क्लास लेके आए थे संविधान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आज ये मेरी दूसरी क्लास है जिसमें आपके लिए मैं लेके आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न है आपके सामने मोस्ट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है। संविधान सभा के गठन का विचार, यानी संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने और कब रखा था। ऐसा कौन सा भारतीय व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम उसके विचार में आया कि दिमाग में आया संविधान सभा का विचार उसने रखा, और ये कब रखा गया था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे सामने पहला जो ए में ऑप्शन है वो है एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में व्यक्तिगत तौर पे कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एमएन रॉय, 1934। इसका सही आंसर ए। देखिए दोस्तों, बी में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक 1895 में। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके माध्यम से की गई थी? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। स्वराज्य विधेयक, संविधान सभा के विचार का जनक तो है हम किसे कहते हैं? एमएन रॉय को कहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, देखिए दोस्तों यहां पे तो संविधान सभा के गठन का विचार की बात करते हैं, विचार का जनक हम किसे कहते हैं? एमएन रॉय को कहते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी। सी में हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी 1922। तो महात्मा गांधी 1922 में इसके द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। तो महात्मा गांधी इसमें सी में ऑप्शन में इसके द्वारा क्या कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। महात्मा गांधी ने यह बात 1922 में कही थी। पंडित नेहरू समिति 1928, इसने पहली बार 1928 में संविधान का प्रारूप बनाने का असफल प्रयास किया था। तो संविधान का प्रारूप बनाने का सर्वप्रथम असफल प्रयास नेहरू समिति के द्वारा किया गया था, नेहरू समिति। और इस समिति ने यह जो कार्य किया था, यह कब किया था? 1928 में किया था। दोस्तों, हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान की संवैधानिक प्रक्रिया में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए में है बी एन राव। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है। तो हमारे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किया गया था वो किसे किया गया था? बी एन राव को नियुक्त किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी में हमारे पास है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी संविधान सभा के जो सचिव थे, सचिव वो किसे बनाया गया था? के एम मुंशी को बनाया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान के प्रथम वाचनकर्ता की अगर बात करें, यानी संविधान के तीन वाचन हुए थे, तो संविधान को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम वाचनकर्ता। देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शनों के हर क्वेश्चन देखा हमने कि संवैधानिक सलाहकार तो कौन था? बी एन राव था। भीमराव अंबेडकर जिसे संविधान का जनक कहा जाता, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो भी कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। के एम मुंशी संविधान सभा के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? के एम मुंशी को नियुक्त किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान के प्रथम वाचनकर्ता की अगर बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार आपने कब नियुक्त किया था? तो इसे संवैधानिक सलाहकार 11 दिसंबर 1946 को यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक के दौरान इसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं, 3 नंबर का प्रश्न हमारा है, संविधान के भाग एक में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के भाग नंबर एक में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों संविधान के भाग एक में इसमें देखते हैं ऑप्शन राज्यों का संघ। दोस्तों पहला ही हमारा आंसर है इसमें राज्यों का संघ, इंडिया अर्थात भारत है। राज्यों का संघ, इंडिया अर्थात भारत है, यह संविधान के भाग एक में पहले अनुच्छेद की लाइन है। नागरिकता, नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग दो में, भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो भाग दो में किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 इसका विवरण मिलता है। मूल अधिकार यानी आपके मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। डी में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो भाग एक में तो राज्यों का संघ इंडिया अर्थात भारत है, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में मूल अधिकार और भाग चार में क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए गए। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 के अनुच्छेद में, मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 और नागरिकता का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11। और भाग एक की अगर बात करें तो दोस्तों भाग एक, भाग एक में आपको अनुच्छेद मिलेंगे 1 से 5 तक और यहां पे दोस्तों है 6 से 11। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है हमारे सामने, भारत संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो भारत के संविधान में आज तक यानी आपने 100 से ज्यादा संविधान संशोधन किए हैं, तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए में दे रखा है 42वां, बी में 43वां, सी में 44वां और डी में 52वां। 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1976 में, 43वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1977 में, 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1977 में और 52वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका हुआ था 1985 में। तो भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके सामने है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इस संविधान संशोधन के दौरान आपने राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया था? बाध्य कर दिया था। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया था। भारतीय संविधान में पहली बार इसी संविधान संशोधन के दौरान 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में जोड़े गए। इसी संविधान संशोधन के दौरान आपने राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची से हटाया और इसे संवर्ती सूची में शामिल किया था। ये सारी जो बातें हैं ये किस संविधान संशोधन की है? 42वें संविधान संशोधन की है। और 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें 43वां संविधान संशोधन 1977, इस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी से।
मोरारजी देसाई लेके आए थे 43वां संविधान संशोधन 1977 में, और 43वां संविधान संशोधन क्यों लेके आए थे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में इन्हें सुधार करना था। फिर 43वां पारित होने के बाद 44वां संविधान संशोधन 1977 में, यह भी मोरारजी देसाई की सरकार में आया था। 44वें संविधान संशोधन के दौरान आपने क्या किया? 44वें संविधान संशोधन के दौरान दोस्तों आपने किया था, पहली तो जो लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा के 5 से 6 वर्ष किया था, उसे पुनः घटाकर 6 से कितना वर्ष कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। फिर आपने 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया था, तो इस अनुसार 44वें में आपने एक शब्द जोड़ दिया, उसे तो डिलीट मार दिया और लिख दिया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की किसी भी सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। उसके बाद दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के दौरान जो आपका एक मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 में वर्णित है। बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन की। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और 1985 में देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 52वें संविधान संशोधन के दौरान आपने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी थी। 52वें संविधान संशोधन के दौरान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध है दल बदल पर रोक। तो दोस्तों यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि मिनी संविधान या लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर पे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति, देखिए दोस्तों राष्ट्रपति है वो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पे चर्चा की जा रही है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, यानी अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में दिया गया है कि राष्ट्रपति, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ये जब तक अपना पद नहीं छोड़ सकता तब तक इसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता। अगर समय से पहले त्याग पत्र देना चाहे तो दोस्तों ये अपना लिखित त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। लिखित त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगर कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना यानी उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इसे हम पद से हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी कारणवश, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। अगर उपराष्ट्रपति है तो पहले किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसको देता? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अन्यथा सामान्य स्थिति में वो किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने पेश की थी, यानी सर्वप्रथम संविधान लिखने का जो विचार है वो किस देश ने दिया था? सर्वप्रथम, देखिए दोस्तों संविधान लिखने की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम संविधान लिखने वाला जो देश था वो कौन सा था? अमेरिका था। लेकिन सर्वप्रथम संविधान लिखने का जो सुझाव आया था वो किस देश के पास आया था? फ्रांस के पास आया था। तो सर्वप्रथम संविधान लिखने की अवधारणा यानी विचार
किस देश ने पेश की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका फ्रांस के द्वारा की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम संविधान लिखने वाला जो देश था वो कौन सा था? अमेरिका था। अमेरिका का विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है और इसे बनाने में केवल 4 महीने का समय लगा था। अमेरिका के संविधान में टोटल 7 अनुच्छेद हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी संस्करण के संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? यानी संविधान के जो पृष्ठ है जिसमें संविधान लिखा हुआ है उसको सजाने का काम किसके द्वारा किया गया था? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा। ये था हमारा संविधान लिखने वाला। हमारा संविधान लिखा गया था किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। हिंदी व अंग्रेजी दोनों में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखा था तो इनसे पूछा गया कि आपका मेहनताना कितना है, तो इन्होंने मेहनताना लेने से मना कर दिया बतौर शर्त पे। एक शर्त थी इनकी इस दौरान कि मैं संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पे अपना नाम लिखूंगा। तो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसका नाम लिखा हुआ? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है। पिन नंबर 354 और 204 लिखने का इस्तेमाल किया था, यानी पिन होल्डर नंबर थे 354 और 204 थे। भारत का जो संविधान है वो इटैलिक शैली में लिखा गया है। इटैलिक शैली, अगर शैली की बात की जाए तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो कौन सी शैली में लिखा हुआ है? इटैलिक शैली के अंदर लिखा हुआ है। लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। राम प्रसाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का दादा था। और इस प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो इटैलिक शैली सीखी थी वो किससे सीखी थी? राम प्रसाद से सीखी थी। और राम प्रसाद का जो नाम है वो संविधान के अंतिम पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ है। ये भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की शर्त थी कि प्रत्येक पृष्ठ पे मैं अपना नाम लिखूंगा और अंतिम पृष्ठ पे अपने दादा का नाम लिखूंगा। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे संविधान का जनक कहा जाता है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो दोस्तों अब तक 3 ऑप्शन देख चुके हैं और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है? नंदलाल बोस। तो संविधान के पृष्ठों को सजाने का जो कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकृति दी गई? यानी अपना जो तिरंगा है उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो आइए दोस्तों हम यहां पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 22 जनवरी 1947। तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 की अगर बात करें तो इस दिन संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। स्वीकार किया तो संविधान सभा, यानी ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में। उद्देश्य प्रस्ताव को आपने स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। यही हमारा आंसर है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब दिया गया था? 22 जुलाई 1947 को दिया गया था। तीसरे ऑप्शन के बारे में अगर चर्चा करें 29 अगस्त 1947। तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसमें कुल 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन, तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे और जिसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। चौथा इसमें ऑप्शन हमारे पास 31 अक्टूबर 1947। इसकी अगर बात करें
तो भारत विभाजन के बाद, यानी भारत का विभाजन हो चुका था, भारत के दो देश बने थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र किया गया था। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। तो यहां पे चार ऑप्शन है, चारों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या है? 22 जुलाई 1947 की संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके सामने 22 जुलाई 1947। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? पहले तो दोस्तों हम ये समझेंगे कि न्याय पुनरावलोकन की अवधारणा होती क्या है। न्याय पुनरावलोकन की अवधारणा का उल्लेख की बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 137 में मिलेगा आपको। अब देखिए दोस्तों, न्याय पुनरावलोकन का मतलब होता है न्यायालय जो अपना फैसला देता है उसमें स्वयं क्या कर सकता है? पुनः विचार कर सकता है। अपने द्वारा दिए गए फैसले को बदलना क्या कहलाता है? न्याय पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। न्याय पुनरावलोकन की शक्ति हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो ब्रिटेन। नहीं दोस्तों, ब्रिटेन से हमने नहीं ली है। रूस से भी नहीं ली गई। आयरलैंड से भी नहीं ली गई। और ये न्याय पुनरावलोकन की शक्ति हमने किस देश के संविधान से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। हम यहां पर अन्य तीन ऑप्शनों की भी बात कर लेते थोड़ी थोड़ी। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। रूस की अगर बात करें, संघात्मक शक्तियां कहां से ली गई है? रूस से। आयरलैंड की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है वो कहां से ली? हमने आयरलैंड से ली है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर पे, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 और इसमें अनुच्छेद है हमारे पास 36 से 51 तक, किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। अब क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि नीति निर्देशक तत्व जो हमने हमारे संविधान में शामिल किए ये किस देश से लेकर शामिल किए? तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों हमने कहां से लिए? इसमें पहला ऑप्शन है आयरलैंड और हमारा सही आंसर भी क्या है दोस्तों? आयरलैंड है। कि हमारे नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35, अगर इसमें अनुच्छेद 14 की बात की जाए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समान, विधि के समान संरक्षण, इसमें दो लाइन है दोस्तों। मौलिक अधिकारों में केवल एक लाइन ऐसी है जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। विधि के समक्ष समान ये जो लाइन है ये हमने किस देश के संविधान से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। और बाकी सारी लाइनें हैं, बाकी सारे मौलिक अधिकार हैं, ये कहां से ली? हमने अमेरिका के संविधान से ली है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? यानी आपका संविधान दिवस कब मनाते हैं?
और इसकी शुरुआत आपने कब की थी? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम देखने जा रहे हैं, पहला ए में ऑप्शन है 26 नवंबर और शुरुआत 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों ये गलत, 26 नवंबर शुरुआत 2001, तो दोस्तों ये भी गलत, 26 नवंबर शुरुआत 2011, तो दोस्तों ये भी गलत। संविधान इसमें जो ऑप्शन डी में है 26 नवंबर शुरुआत 2015, तो दोस्तों पहली बार हमने जो संविधान दिवस बनाया था वो किस वर्ष बनाया था, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किस दिन मनाया गया, 26 नवंबर, क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर पहली बार बनाया गया था 26 नवंबर 2015 में। इसकी शुरुआत आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। आइए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर दोस्तों सबको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो कौन थे। तो यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन ए में के एम मुंशी, तो दोस्तों ये थे संविधान सभा के सचिव, तो ये कानून मंत्री नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर बात की जाए तो राज्यों की शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। लाल बहादुर शास्त्री, तो दोस्तों इसमें यह भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर भारत के यानी स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ, राष्ट्रपति की पद की शपथ का उल्लेख मिलेगा हमें अनुच्छेद 60। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों? इसमें हमारा पहले में क्या है, उपराष्ट्रपति, करोस उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता है। बी में क्या है, प्रधानमंत्री, तो दोस्तों प्रधानमंत्री भी नहीं दिलाता है। सी में क्या है, संसद सचिव, तो ये भी नहीं दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसे शपथ दिलाई गई है जाती है। और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, भाग 5 के अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया था? तो ये बात कर रहे हैं दोस्तों मूल संविधान की, तो देखिए दोस्तों इसमें अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में तो हमारा मौलिक अधिकार है, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, भाषा के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में हमें यह भी हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 30 में हमें दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए धार्मिक शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 40, तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो इसमें होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 40 होगा। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो निर्देश दिया गया है वो भाग 4 के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में दो लाइनें दी गई, विधि के समक्ष समान और विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समान, ये लाइन हमने ब्रिटेन से ली है।
और विधि के समान संरक्षण, ये लाइन हमने अमेरिका के संविधान से ली है। हालांकि सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 फर्स्ट को छोड़ के सारे कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए। अनुच्छेद 15 में भी हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें लिखा गया है कि जन्म स्थान, जाति, धर्म, वेशभूषा, राज्यों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन कार्यों में सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। लोक नियोजन कार्यों का मतलब है सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो अंत किया गया है वो अनुच्छेद 17 में किया गया, यानी छुआछूत के आधार पर आप किसी के साथ भी क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया था हमने कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन जो भारत में पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, जो 3 सदस्यों का आयोग था, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस इस आयोग का अध्यक्ष था। उसके आधार पे हमने संविधान सभा का क्या किया था, गठन किया था। और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या आपने कितने निर्धारित की थी, 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। और इन सदस्यों का चुनाव, यानी संविधान सभा के लिए हमने चुनाव कब करवाया था, तो दोस्तों ये जो चुनाव हुए थे इनकी अगर बात करें तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव थे। अब बात करें कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों करवाए गए थे, तो दोस्तों उस समय भारत में चुनाव करवाने की स्थिति नहीं थी, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप से करवाए गए थे। अब हमारा आंसर हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, जून 1946, नहीं दोस्तों जुलाई 1946। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, यानी जो वर्तमान अपना संविधान लिखा हुआ है इस संविधान सभा में लिखने वाले में टोटल कितने सदस्य थे। जब हमने संविधान सभा का गठन किया तो गठन के दौरान हमारे पास संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी में है 284। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284 थी। तो ये भी दोस्तों गलत है। सी में दे रखा 324 कि भारत विभाजन के बाद जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बची थी वो कितनी थी, 324 बची थी। फिर अक्टूबर में पंजाब और बंगाल में उपचुनाव करवाए गए थे, अक्टूबर 1947 में। ये चुनाव करवाने के बाद हमारे पास सदस्यों की संख्या कितनी शेष रही थी, 299। तो भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299 सदस्य थे। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर पे, संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी। तो जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान के अंदर हमारे पास कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों पहला हमें दे रखा है कि 395 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां। दोस्तों सरासर गलत है, 6 अनुसूचियां नहीं थी, हालांकि अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। ऑप्शन बी में हमें दिया गया 394 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों 394 अनुच्छेद नहीं थे, हालांकि अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। अनुच्छेद सी की अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये हमारे वर्तमान संविधान में है, वर्तमान संविधान में। लेकिन यहां पे हमें पूछा क्या गया है दोस्तों, मूल संविधान में, मूल संविधान जब हमने बनाया तब कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें हमारा दोस्तों सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है हमारे पास।
दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर पे, केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो केंद्रीय की जो कार्यपालिका है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है, उसका प्रमुख कौन होता है? तो यहां पर दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, नहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मुख्य न्यायाधीश, नहीं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता। संसदीय सचिव, तो दोस्तों संसद सचिव भी नहीं होता। राष्ट्रपति, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कि केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे संवैधानिक जो प्रमुख है हमारा वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना हम किसी भी प्रक्रिया का निर्माण पूरा नहीं कर सकते। कोई भी विधेयक बनाएंगे तो अंतिम हस्ताक्षर हमें किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। जय हिंद जय भारत दोस्तों।